Assalamu alaikum. Today we will study electric polarization. Polarization meaning hota hai pole se hai ye. Polarization means poles jo hai. Aur agar electric polarization ki baat kare, so it is obviously about the positive and negative charge. So positive and negative charge jahan milkar pole ki form mein dono present ho, to hum usko jo hai wo polarization ki form mein kehte hain, means formation of poles. Lekin iski jo proper definition hai polarization ki, it is basically slight shift in the charges, positive and negative, in the opposite direction in the presence of external electric field. Means jab charge aapke paas kisi material ke andar aapke jo charges hain wo aapke jo hai wo shift ho jaye. Agar right se positive hai to negative ki taraf chala jaye, aur agar left se hai to positive ki taraf aa jaye. In case of in the presence of external field, to use hum bolte hain electric polarization. तो सबसे पहले जो है वो हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को इसी फॉर्म में. इट इज अ स्लाइट शिफ्ट ऑफ द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑल द चार्जेस मोस्ट प्रोबेबली आपके पास मोस्टली इनसाइड द जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड लास्ट में हम डिफाइन करेंगे डाइपोल को. डाई मीन टू, एंड पोल का मीनिंग वही है कि दो चार्जेस का पोल. So let's start with definition. आपको मैं बता चुकी हूँ. Let's start with the help of figure. ये definition यहाँ पे भी है कि slight relative shift of the positive and negative electric charges in opposite direction due to the electric field, external electric field. ये इसकी definition है. जो simple words में हम polarization को बोल सकते हैं कि क्या होती है polarization. अब हम इसे figure की help से देखेंगे. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपके पास पोलराइजेशन कब होती है, व्हेन यू विल प्लेस एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हम दो जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्म में दो प्लेट्स लेंगे. एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट. दीज टू प्लेट्स विल फॉर्म द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे कि हमने कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आपके पास कैपेसिटर के इन साइड जो है पैरेलल प्लेट के बिटवीन आप वैक्यूम को एज अ मीडियम ले सकते हो, या फिर आप जो है कोई डायलैक्ट्रिक रख सकते हो. तो अभी यहाँ पर हम पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए दो पैरेलल प्लेट के बिटवीन एक डायलैक्ट्रिक रखेंगे. डायलैक्ट्रिक इज ऑब्वियसली इंसुलेटर. वो इंसुलेटर होता है डायलैक्ट्रिक मीडियम, और इंसुलेटर हमें पता है कि नॉन कंडक्टिव होते हैं, कंडक्शन नहीं करते हैं. तो यहाँ पे होता है क्या है कि जब आप किसी डायलैक्ट्रिक को इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर ऑन द होल आपका जो डायलैक्ट्रिक होता है, आपका जो इंसुलेटर होता है, वैसे तो वो न्यूट्रल होता है, वो चार्जेस को कंडक्ट नहीं कर सकता. और दूसरी बात ये कि डायलैक्ट्रिक के अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते. तो यहाँ दो फील्ड एग्जिस्ट करेंगे. एक तो एक्सटर्नल फील्ड है जो कि आपकी मैटेरिक प्लेट की वजह से है, और इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म फील्ड ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव पर. तो इस फील्ड की जो बाहर है डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट. लेकिन इस लेफ्ट टू राइट फील्ड के अंदर जब हम एक डायलैक्ट्रिक रखेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि ऑल्दो उसके पास फ्री चार्जेस नहीं है, बट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस या मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे ये फील्ड में आएगा, तो इस एक्सटर्नल फील्ड का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर होता है. तो उसके अंदर के चार्जेस क्या करते हैं, दे विल शिफ्ट देम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. एक तो उसके डायलैक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं वो फ्री तो नहीं है, जैसे ये नेगेटिव चार्जेस है इलेक्ट्रॉन, ये फ्री तो नहीं है, लेकिन बाहर के फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से ये ऑपोजिट साइड से मूव करने की कोशिश करेंगे. मतलब ये कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेंगे, और जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अरेंज होंगे. इसी वजह से एक्सटर्नल फील्ड जो होता है डायलैक्ट्रिक के बाहर जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन बनती है उस फील्ड की, जो डायलैक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. जैसे ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड में आएगा, तो ये इसके अंदर जो न्यूट्रल चार्जेस थे जो पॉजिटिव नेगेटिव होकर आपस में कैंसिल करके न्यूट्रल थे, और कोई जिसकी वजह से इंसुलेटर उस मटीरियल को हम इंसुलेटर बोल रहे हैं, इंसुलेशन नहीं, कोई भी कंडक्शन नहीं कर सकता था,
लेकिन जैसे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी में आया, क्या होगा कि उसके वो जो न्यूट्रल चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से विद सम डिस्प्लेसमेंट बी, और क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव हैं वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव फेस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, और जो नेगेटिव हैं वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव फेस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है जो हम अभी डिफाइन कर रहे थे, फ्लाई शिफ्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई होगी। तो पोलराइजेशन किसी तरह पोलराइज होता है मटीरियल, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने डायलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट के बिटवीन रखा, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल है न्यूट्रल एक्टर मटीरियल के अंदर चार्जेस और जो नेगेटिव मिलकर कैंसिल करके उनमें से क्या होगा कि वो सेपरेट होंगे, ये नेगेटिव सारे के सारे आप देखें टूवर्ड्स लेफ्ट जो है वो हो जाएंगे, और आपके पॉजिटिव डायलेक्ट्रिक के अंदर सारे के सारे टूवर्ड्स राइट हो जाएंगे। रीजन क्या होगा कि बाहर के एक्सटर्नल फील्ड के चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस के बिटवीन जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से इस साइड पे होंगे। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डायलेक्ट्रिक की फील्ड उस एक्सटर्नल फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि देखें पॉजिटिव से ओरिजिनेट होनी होती है और नेगेटिव एंड होती है। तो इन प्लेट्स को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ हमारी यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का मतलब है कि बाहर का फील्ड लेफ्ट टू राइट एक्ट कर, लेकिन अगर हम अंदर इन पोल्स को देखें तो पॉजिटिव राइट पे है और नेगेटिव लेफ्ट पे है, तो यहाँ पे फील्ड राइट टू लेफ्ट एक्ट कर रहा है। सो व्हेन वी प्लेस द डायलेक्ट्रिक इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है डायलेक्ट्रिक के अंदर बनने वाले फील्ड की डायरेक्शन। सो दिस काइंड ऑफ द सिस्टम जहाँ पे आपके पास पोल्स बन जाए चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इस प्रोसीजर को पोलराइजेशन, एंड डायलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज। तो आपका डायलेक्ट्रिक यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो डायलेक्ट्रिक होते हैं वो टू टाइप होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। जो पोलर होते हैं उनमें परमानेंट डायपोल होता है, मीन ये कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हमेशा जो है वो एक दूसरे के कंप्लीट उसमें कैंसिल आउट करके, जैसे ये सोडियम है सोडियम पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लोरीन, ये परमानेंट पोल है, ये जो है हमेशा नॉन कंडक्टिव रहता है, ये अपनी जगह से जो है वो डिस्प्लेस नहीं होता। लेकिन जो आपके पोलर है ये और जो नॉन पोलर होते हैं जैसे ऑयल है या कुछ इस तरह की और चीज़ें, उनमें क्या होता है कि आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रही हूँ, ये पोलर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परमानेंट डायपोल के तौर पे बिहेव करता है। लेकिन जो नॉन पोलर होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी कोई भी चार्जेस इस तरह से सेपरेट नहीं होते। लेकिन क्या फर्क होता है कि जब आप नॉन पोलर को प्लेस करते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन पोलर जो आपके डायपोल हैं उनमें क्या क्रिएट हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स चार्जेस। वैसे तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो एज अ होल न्यूट्रल एक्ट कर रहे होते हैं नॉन पोलर, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड के बिटवीन लेकर आते हैं तो क्या होता है कि उसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में जो है एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जो पोलर होते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल होता है उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट की कोइंसाइड कर रहे होते हैं और इसलिए एक दूसरे के ऑन द होल इंफ्लुएंस को जीरो कर रही होती है। बट जो नॉन पोलर होती हैं और एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में उनमें क्या होता है कि इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में स्लाइटली कंसाइड कर रहे होते हैं, कंप्लीट मीट नहीं कर रहे होते। इसी वजह से जैसे ही वो एक्सटर्नल में आते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस से हो जाते हैं। तो टू चार्जेस जो है वो आपस में नॉन पोलर जो डायलेक्ट्रिक होता है उसके दो चार्जेस फौरन आपस में जो है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आते ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और इस तरह की अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस डायलेक्ट्रिक में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोल, इसको हम कहते हैं डायपोल, यानी कि सिस्टम इन विच आपके पास डायपोल फॉर्मेशन हो विद सम डिस्टेंस डी बिटवीन द टू चार्जेस, तो दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। तो यहाँ पर हम क्या फाइनली अब डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द डायपोल। सो डायपोल इज द सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द डायपोल। सो इलेक्ट्रिकली डायपोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो सिंपल वर्ड्स में हम बोले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को, तो इट इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द पोल है, और फॉर्मेशन ऑफ पोल जो है वो डिपेंड करती है
कि आपने एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया डायलैक्ट्रिक को, यानी मीन्स इंसुलेटर को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, यानी जैसे आप डायलैक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो आपके पास अगर तो जो है वो नॉन पोलर है तो फौरन जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में, क्योंकि नॉन पोलर के अंदर जो है वो जब वो न्यूट्रल एक्ट कर रहे होते हैं एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी तो वो कम्प्लीटली जो इंसाइड कर रहे होते हैं, बल्कि सेंटर से मिडल से ये चार्जेस आपस में थोड़ा बहुत मीट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही एक्सटर्नल डिस्टेंस होता है तो वो डाइपोल बना लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से विद सम डिस्टेंस भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था सारा और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की रिस्पेक्ट से भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।